Hello everyone, good morning. Today I am just knowing you some important chapters. That's the first chapter today we will discuss. This is ratio. Okay, if you don't know about the ratio, yeah, if you don't get the accurate knowledge about the ratio, then you cannot able to do the to solve the percentage, yeah, then everything you cannot do then. So first of all, we have just recall about what is the ratio. Okay, then how can you find the ratio? This is the symbol of ratio. This is the symbol of the ratio. Then first of all, how to find the ratio? Before convert a things into the ratio, one thing you have just mind yourself, that is the two numbers unity are always be सेम, यूनिटी इज ऑलवेज बी इक्वल. देन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे द रेशियो ऑफ 10 रुपीज़ टू 50 पैसा. यहाँ ये जो 10 का यूनिट क्या है, रुपीज़ है, और 50 का यूनिट क्या है, पैसा है. सो दैट इनका जो यूनिट है वो डिफरेंट हुआ. तो पहले हमें क्या करना है ना, यूनिट को सेम करना है. तो 10 रुपीज़ को हमें पैसा में कन्वर्ट करना है. आपको आप सभी को पता होगा कि 1 रुपीज़ या कितना पैसा है ना, 100 पैसा है. ठीक है, 100 पैसा. देन व्हाट शुड यू डू, वी हैव जस्ट कन्वर्टेड 10 रुपीज इंटू द पैसा. देन 10 रुपीज इंटू द पैसा, 10 इंटू 100. ओके, देन व्हाट इज द आंसर, दिस इज द 1000. देन नाउ दिस इज द पैसा एंड दिस इज द पैसा. वी हैव जस्ट फाइंड द रेशियो ऑफ द 1000 पैसा टू 50 पैसा. देन हाउ कैन यू राइट हियर, 1000 divided by 50. We have just simplified the fractions. You know how can you say simplify the fractions? We have just हमें क्या करना है, जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या करना है, हमें उसका जो कि एलसीएम निकाल के उसको बोथ साइड में डिवाइड करना है. उसका मैं ऐसे भी कर सकते हैं आप जिसको नहीं पता, और जिनको पता है वो तो काट कट कर सकते हैं. उनका जो कॉमन फैक्टर्स है उससे भी हम कट कर सकते हैं. इन दोनों 50 से ये वाला कट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा 2 20. तो यहाँ पे क्या रहा, 1. तो इनका रेशियो क्या हुआ, 20 is to 1. यहाँ पे ऑप्शन है ही करेक्ट है. लाइक दिस वी कैन सॉल्व. इस तरफ इसको भी हम ऐसे जैसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है, 6 kg to 4000 gram. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड यू डू, वी हैव टू जस्ट कन्वर्टेड 6 kg into the gram. 6 kg is what, 6000 gram डिवाइड बाई 400 ग्राम. देन जस्ट कट डाउन द 2 zeros एंड दिस इज द 15. ओके, देन हियर इज द 1. व्हाट इज द रेशियो, न्यूमरेटर में 15 एंड डिनोमेटर में 1. 15 is to 1. दिस इज द ऑप्शन बी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सर. यहाँ पे भी वैसे ही दिया, यहाँ पे क्या दिया ना, द रेशियो ऑफ 3 meter to 60 cm. वी हैव जस्ट फर्स्ट कन्वर्टेड 3 meter into the cm. दिस इज बट 1 मीटर जो 100 सेंटीमीटर. देन 3 मीटर जो 300 सेंटीमीटर, 300 ये जीरो है. ठीक है, डिवाइड बाई 60 सेंटीमीटर. देन हाउ कैन यू कन्वर्टेड, जस्ट 1 5. तो दिस इज 5 is to 1. दिस इज ऑल्सो 12 days into 72 hours. हमें पता है डेज को स्मॉल यूनिट में, हमेशा आपको लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है. उसके बाद उसका यूनिट सेम करके आपको रेशियो निकालना है. यहाँ पर क्या है, 15 डेज है. डेज छोटा है या आवर छोटा है, हमें पता है कि आवर छोटा है और डेज बड़ा है. तो डेज को बड़ा यूनिट को हमें स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो 15 डेज को हमें आवर में कन्वर्ट करना है. हमें पता है कि 1 डेज इक्वल टू 24 आवर. ओके, सो दैट वी हैव जस्ट फाइंड 15 डेज इक्वल 15 into 24 and equal to what? This answer is 360. Okay, यहाँ पे क्या आया ना, 360 आया, 360 यहाँ पे 360 आया, और यहाँ पे था 72. तो हमें आसानी से 72 से 360 को हम काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आएगा क्या, 5, यहाँ पे 1. तो इसका आंसर हुआ 5 is to 1. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमें. देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एजेस ऑफ ए फादर एंड द सॉन आर, ये है फादर का एज और ये है सॉन का एज. द रेशियो ऑफ देयर एजेस, हाउ कैन यू फाइंड फादर का, इनका यहाँ पे यूनिट सेम है,
पहले हमें देखना है कि किसका पहले दिया है, फादर का पहले दिया है या सन का। जिसका पहले दिया है उसका ही एज को हम न्यूमरेटर बनाएंगे। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 10। ओके, देन हाउ कैन यू सॉल्व, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आया, 9/2, जो कि 9:2। ओके, नेक्स्ट वी हैव जस्ट रिकॉल सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द हाउ कैन यू कन्वर्ट द थिंग्स इन टू द रेशियो। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ कैन यू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस या रेशियो इन टू द परसेंटेज। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाती हूँ पहले, तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे हमें जो कि फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, ठीक है, लेट हैव सी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रैक्शन टू बट परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। क्या, किसे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे लेट सी, एक थिंग आपको माइंड में रखना है, जबकि हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे ना, इंटू हंड्रेड करेंगे। क्या करेंगे, इंटू हंड्रेड करेंगे, ठीक है, यही बात आपको याद रखना है। और जबकि हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना चाहिए ना, डिवाइड हंड्रेड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लेके आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ मैं। देखो, एक फ्रैक्शन आप बोल लीजिए जो कि 2/5 हुआ, तो हमें इसको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने बोली कि यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 100 मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो हम इसको काट डालेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 20, तो ये क्या हुआ, 40%। ओके, ये क्या है, 40%। कोई हमें पूछे तो 40% को हमें कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये नहीं दिया है, सिर्फ ये वाला दिया है। वो बोल रहा है कि 40% को हमें कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट है। सिंपली सी, मैंने क्या बोली कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आपको 100 डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे ना, 40/100 कर देंगे, ठीक है, ऐसे काट डालेंगे, तो इसका क्या आया, 2/5 आया, आया कि नहीं, आप समझ में आया। तो लेट्स सी, लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज। इफ यू वांट देन यू कैन गेट योर लाइक योर व्हाट यू कैन गेट योर स्टडी मटेरियल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन डाउनलोड देयर फ्रॉम देयर। ओके, लेट्स सी। एंड मैं आप सबकी सबको यह बता देती हूँ कि हमारे पास सारे सब्जेक्ट का जो कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो कि आपका जो कमी एग्जाम एग्जामिनेशन में वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको चाहिए होगा, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज 5% ऑफ 200। हमें पता है पहले हमें क्या करना है, ये जो परसेंटेज है हमें हमें पहले क्या करना है, वी हैव जस्ट कन्वर्टेड दिस परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शंस, लाइक वी हैव जस्ट राइट डाउन हियर 5% इक्वल टू 5/100 ऑफ मीन्स इनटू किसका ना, 200 का। तो हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा व्हाट, 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ, 10 हुआ। वैसे यह कि क्वेश्चन ये है, ये गलत रिपीटेड कर दी मैंने। देखो यहाँ पे 12% ऑफ 200 वैसे ही करना है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, डेफिनेटली आएगा। यू हैव जस्ट फॉलो दिस, ओके, व्हाट शुड आई हैव जस्ट टोल्ड यू, यू हैव जस्ट फॉलो दिस, ओके, देन यू डेफिनेटली क्रैक द एमटेट 2021, दिस इज माई 100% अश्योर टू यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव जस्ट कन्वर्टेड 12% इंटू द फ्रैक्शन 12/100 इंटू वट 200, यू हैव जस्ट सिंप्लीफाई दिस, दिस इज वट 24, 24, 24, यहाँ पे नहीं है, ये वाला जो 24 होगा तो ये होगा ऑप्शन, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट।
अब यहाँ पे देखो एक नंबर है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से। देखो यहाँ पे क्या है, 0.04 एज ए परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट करेंगे। 0.04 ये एक कौन सा नंबर है, ये एक दिस इज अ डेसिमल नंबर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जस्ट कन्वर्टेड दिस डेसिमल नंबर इन टू द फ्रैक्शन। देन व्हाट शुड वी डू, 0.04 लिख देंगे यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि आप कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, वैसे ही बहुत सिंपल चीज़ है। आप सिर्फ नंबर को लिखना है, यहाँ पे 4 है और डिवाइड बाय डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स है, जितने भी डिजिट्स है, 1 का उतना ही 0 हम डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया उसका फ्रैक्शन। ठीक है, 4/100 इंटू 100। मैंने बोला था कि फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने से हमें 100 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमें यहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 4%, जो कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, एक वार्ड प्रॉब्लम है जो कि आपका लास्ट टाइम में भी ऐसे एक वार्ड प्रॉब्लम आया था। इससे मैं इसीलिए मैंने इसको बेस करके ऐसे ही क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे कि आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्या है, आउट ऑफ 40 चिल्ड्रन इन ए क्लास 10 आर बॉयज। वो बोला कि 40 चिल्ड्रन है कंप्लीट और 10 बॉयज है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉय। तो हमें कैसे ऐसे केस में हमें कैसे परसेंटेज, जो कि नंबर ऑफ बॉयज जिसका परसेंटेज निकालने के लिए वो दिया है, हमें पहले उसको ही न्यूमरेटर लेना है। जैसे कि बॉयज डिवाइड बाई चिल्ड्रेन, ओके, चिल्ड्रेन इंटू 100। ओके, यहाँ पे बॉयज कितना है 100, डिवाइड बाई चिल्ड्रन कितना है 40, सॉरी बॉयज कितना है 10 और चिल्ड्रन कितना है 40 इंटू 100, जो कि हम काट डालेंगे ऐसे ही। 2 2 जार 4 2 5 जार 10, देन हम ऐसे ही काटेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 25%। ओके, तो इसका आंसर आया ऑप्शन डी। वैसे ही और एक क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 5 आर एबसेंट, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ द एबसेंट स्टूडेंट। वैसे ही आप निकाल सकते हैं, 5/25 इंटू 100, वैसे ही लिखेंगे आप 5/25 इंटू 100। ओके, तो हम ऐसे ही काटेंगे तो उसको निकाल के आएगा कि 20%। 5 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, लेट्स अब नेक्स्ट। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, ए शॉप हैज 50 टेलीविजन। कितना टेलीविजन है, 50 टेलीविजन है। आउट ऑफ 5 आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव। ओके, देन हाउ कैन यू फाइंड, वैसे ही करेंगे 5/50 इंटू 100। ओके, जो कि हम काटेंगे तो उसको यहाँ पे आएगा क्या, 10%। 5 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बाय आएगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन आपको ही करना है, ये वाला है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा डिफरेंट काइंड में दिया है ये वाला क्या दिया है ना, द सैलरी ऑफ द मनीष इज 4,000 रुपीज। सैलरी कितना है, 4,000 रुपीज है। वो सेव कितना करता है, 10%। ये सैलरी का 10% वो सेव करता है, इसका मतलब वो कितना सेव करता है। तो हमें क्या निकालना, इसका 10% कितना है वैसे उसको ही निकालना है। हमें कैसे निकालना है, 4,000 इंटू 10%। 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 होगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आया, 400 400 रुपीज़ है, जो कि यहाँ पे है, ऑप्शन है। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो और भी एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे, मैंने ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड का वर्ड प्रॉब्लम चुन चुन कर आपके फ्रंट में मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है मैं बेकार में ऐसे नहीं सॉल्व करती हूँ, जो कि आपका एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा, वैसे ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन फ्रॉम इतना टू इतना। पहला कितना था, इतना था, तो इंक्रीज होके इतना हो गया। तो यहाँ पे दिया है कि बाय व्हाट परसेंट हैज द प्राइस राइजन ऑफ, कितना परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट छोड़ो, पहले कितना इंक्रीज हुआ है, 48 था और 52 हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 रुपीज, जो कि क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 4 रुपीज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कितने से, 48 से। मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, जबकि हमें दिया होगा जो कि छोटा नंबर बड़ा से इतना इंक्रीज हुआ है, तो हमें इसका परसेंटेज कैसे निकालना है, 4 बाय जो कि पहले जितना था, पहले कितना था, 48 था, तो इंटू 100। तो हमें सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, 12, और फिर से करेंगे तो 6, फिर से करेंगे तो 50, फिर
से करेंगे तो 2, 3, फिर से करेंगे तो 25, जो कि 25/3 यहाँ पे आया हमें, 25/3%, 25/3% जो कि यहाँ पे क्या है ये वाला, ठीक है ये वाला, यहाँ पे डिवाइड थोड़े से गलत में दी गई है ये वाला, ठीक है ये वाला, ठीक है आपका जो ऑप्शन है वो ही है सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ नेक्स्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो आप कि 100 रुपीज आर टू बी डिवाइडेड अमंग अपोला एंड मीनू, अपोला और मीनू में इतने रुपीज को हमने डिवाइड कर दिया, तो अपोला गेट 60%, व्हाट इज मीनू गेट, हमें ये पता है कि अपोला 60%, टोटल परसेंट कितना है 100%, हमेशा ही होता है कि टोटल परसेंट 100% है, ये ले गया कितना 60% ले गया, तो और कितना बचा, ये ले गया कितना 60%, तो कितना बचा, और बचा 40%, जो कि है किसका है, जो कि है किसका, मीनू का है, ये किसका है ना, मीनू का है, ठीक है, तो ये कितना का किसका 40% है, 100 रुपीज का, वो मीनू का कैसे हम निकाल सकते हैं, 100 रुपीज का जो कि 40% है, ठीक है। यहाँ पे आप मेरा लेट 100 को जज मत कीजिए, क्योंकि मैं ना यहाँ पे जो कि नोटपैड में जो कि यहाँ पे लिख रही हूँ ना, इसीलिए मेरा हैंड राइटिंग ऐसे ऐसे हो रहा है, वैसे ही देखा जाए तो मेरा हैंड राइटिंग इतना भी ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है। 40 40 रुपीज़, ठीक है, या इसका आंसर क्या आएगा, 40 रुपीज़। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल, देन यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 2 इज द लार्जेस्ट एंगल, हमें पता है कि जो कि एक ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल कितना है 180 डिग्री है, कि जो कि उनका 3 एंगल ऐड होके कितना होता है, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे ये सारे ऐड होके कितना एंगल होते हैं 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 1 1 2 जो कि है कितना हुआ, इसको हम ऐड कर देंगे पहले, तो कितना आएगा 4, तो 4 को कितना आया 180 डिग्री आया, तो 1 को कितना आएगा 180 डिवाइड बाई 4 जो कि आया क्या, जो कि कितना आया 45 डिग्री, तो हमें कितना बच रहा है, लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो लार्जेस्ट मतलब 2, 2 को कितना आएगा 45 × 2 जो कि कितना आया 90 डिग्री आया, इसका आंसर ही आंसर है 90 डिग्री। लेट्स फॉर टूडेज दिस मच, एंड इफ यू वांट मोर रिगार्डिंग टू द परसेंटेज देन आई डेफिनेटली डू, एंड द नेक्स्ट वीडियो आई जस्ट मेक ऑन द रिगार्डिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, बिकॉज प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेटली वन क्वेश्चन हैज कम, ओके, सो हाउ कैन यू सॉल्व विद इन ए फ्यू सेकेंड्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस, देन आई हैव जस्ट शोइंग यू द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉफिट एंड लॉस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।